दोस्तों, हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, मतलब कि हमारा जो लक्ष्य है उसे हर हाल में हासिल करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का मतलब यह है कि हमारा जो लक्ष्य है उसे स्टेप बाय स्टेप हासिल करना होता है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि यदि आप इन स्टेपों को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में बहुत ही आगे जा सकते हो और जो आप पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव थाट। दोस्तों, जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उस काम के प्रति हमारा दिमाग बार बार निगेटिव थाट लाने लगता है और इन्हीं निगेटिव थाट के कारण हम अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं और हम लोग अपने जीवन में जैसा चल रहा है बस वैसे ही चलने देते हैं। दोस्तों, हमें इन निगेटिव थाट से हर हाल में बाहर आना होगा यदि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों साइंस के रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन में 24 घंटे में करीब 6200 थॉट आते हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ थॉट निगेटिव होते हैं। आप इन विचारों को आने से नहीं रोक सकते पर आप अपने निगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, हमें कभी भी फेलियर से नहीं डरना चाहिए। फेलियर और सक्सेस तो हमारा जीवन का एक हिस्सा है। फेलियर के डर से हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे स्टोरीज पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे जहां पर कई लोग कई बार फेल होने के बाद ही सक्सेस हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इनकरेज योरसेल्फ। हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मुश्किल टास्क को भी करना पड़ता है जिसमें हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसीलिए आप मुश्किल काम को करने के लिए आप उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब आप उस मुश्किल टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो तब आप अपने खुद को अप्रिशिएट करिए और अपने आप को प्राइज दीजिए जिससे कि आपका दिमाग बोरिंग या कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत ही आसानी के साथ कर लेगा। दोस्तों, मुश्किल काम को करने के लिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे कि आपको खुद की नज़र में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी लाइफ में बहुत ही आगे जा सकते हो। और आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए जो किसी ऑथर ने लिखा है, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 कहता है क्रिएट योर गोल एंड प्लान। दोस्तों, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आपको यह बात पता रहनी चाहिए कि आखिर आपको जीवन में करना क्या है। जब आपका लक्ष्य ही क्लियर नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है तो आपको सफलता कैसे मिलेगी, जिससे कि क्या होगा, आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप बिना लक्ष्य के एक भूलभुले दुनिया में घूमते रह जाएंगे और आप मजबूरी में कुछ ऐसे काम करने लगेंगे जिसमें आपका बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप आज ही एक पेन और कॉपी लीजिए, उसमें अपने लक्ष्य के बारे में लिखिए और आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हासिल करेंगे वह प्लान बनाइए और उस प्लान के अनुसार अपने दिन का कुछ वक्त निकालिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप आज कल से कितना बेहतर हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन। दोस्तों, हम लोगों से पास्ट में जो भी गलतियां हो चुकी हैं उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी पास्ट में नहीं जीना चाहिए, हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। ध्यान दें कि आज आप क्या बेहतर कर सकते हो और यदि आज आप बेहतर करेंगे तो आपका भविष्य भी बेहतर होगा। हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि जो पास्ट में गलतियां हो चुकी है उन गलतियों से सीखें, क्योंकि पास्ट की गलतियों से सीखकर हम लोग अपने प्रेजेंट की गलतियों को कम कर सकते हैं और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है डू द थिंग्स यू लव। जब भी हम अपनी मनपसंद का काम नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय पे हम लोग जल्दी हार मान लेते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ऐसे काम को करें जो आपको पसंद हो। इसीलिए दोस्तों, सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप उन चीज़ों को करें जो आपको पसंद हो। हालांकि आपको अपने गोल में कुछ ऐसे काम भी आ जाते हैं जो आपको नापसंद होने के बावजूद भी आपको करना पड़ता है, तो उस समय आपको उस काम को 100% देकर करना चाहिए। भले ही आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो लेकिन ज़्यादातर आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे कि आप हमेशा अपना फुल एनर्जी के साथ 100% दे सकते हो। पॉइंट नंबर 6 कहता है ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू। दोस्तों, कुछ नया सीखने का मतलब यह है कि आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं
उसके अलावा कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करें जिसके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं मालूम। आज इंटरनेट के समय में हम घर बैठे ही कुछ ऐसे स्किल के बारे में सीख सकते हैं जो फ्यूचर में हमारे गोल में बेहद ही काम आ सकती है, क्योंकि आज आप कुछ नया सीखने के कारण ही कल से बेहतर है। और जब आप खुद को बेहतर बनाना बंद कर देते हैं तो आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना भी बंद कर देते हो। इसीलिए हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 कहता है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड मूव ऑन। दोस्तों, हमें अपने जीवन में गलतियों यानी कि फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां तो सभी से होती है। फर्क बस इतना पड़ता है कि आप उन गलतियों से टूट जाते हैं या फिर उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और फ्यूचर में दोबारा सेम गलती को आप रिपीट नहीं करते हो। दोस्तों, हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझनी चाहिए और अपनी गलतियों का दोष किसी और पर थोपकर अपने आप को बचाना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे हमेशा डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका ही आपको स्ट्रांग बनाएगा और आप अपने लाइफ में सक्सेस की सीढ़ी आराम से पार कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको पहले स्ट्रांग होना होगा। अब स्ट्रांग किस चीज़ से होंगे, आपको अपने लाइफ में कितने भी परेशानियां हो, कितने भी प्रॉब्लम हो, उसे सॉल्व कर कर। दोस्तों, इस तरीके से आप इन 7 स्टेप को फॉलो करके आप अपने लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और इसी तरह का अच्छी अच्छी जानकारी आपको हर वक्त मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।